हरे कृष्ण सभी वन्ने भी हमें द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा देखता लगा च हमें सभी ते पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र बोला च तो ही कन्या था पहला हमें द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं धारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातःपठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण सभी वन्ने भी आज हमी द्वादश ज्योतिर्लिंगना कथा में त्र्यंबकेश्वर नु कथा देखता लगा च त्र्यंबक कतर ती त्रीनी अंबक त्रीनी अंबक कतर शंकरना तीन डोला कई कंबी बोला च तीन डोला शंकरना कतर सूर्य चंद्र आणि अग्नि कई कन अवतीन अर्थ आणि त्र्यंबक कतर त्रिमूर्ति ब्रह्म विष्णु महेश्वर कई कंबी अवच तो ही कंती रे त्र्यंबक कैकम बोलच कैकम भी बोलच हाँ आई ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वतर गौतम ऋषि नो आश्रम असच था गौतम ऋषि गो हत्या करेलू पाप जावा लेवासाठी कैकन शंकर ने तपस्स करीकन प्रसन्न करीकन प्रसन्न करासाठी कैकम बोलिकन ते बेटर बटिकन गिरीवर बटिकन तपस्स करेलो असचे गौतम ऋषींना तपस्सने शंकर तृप्त हिकन काहून वर मांग कैकम बोलच नयन हिव गो हत्या करेलो पाप लागीच ते पाप जावाळेवासाठी गंगा स्नान करांचे तिनासाठी श्यामने गंगान धाड कैकम बोलच शंकर तवा हूँ कैकम बोलिकन गंगान धाडच मात्र गंगा अवच अदृश्य होच गंगा अवच अदृश्य होच तव का कैकम बोलिकन विचारे तुडी कतर शंकर न संगाट अशी तर मात्र हो ह्या प्रकट होच कैकम बोलाच तव ही कन गंगा ना संगाट शंकर भी ह्या असेल छे ये जागा नु महत्व छे तई तव आता ह्या एक क्षेत्र नु कथा काचे कते देखा हो तुमने बोली गौतम ऋषि गो हत्यानु पाप ते जावाळेवासाठी कैकन गंगा स्नान करान होतो कैकन बोलिकन ते तवने गो हत्यानु पाप कऊ लागी कवानु ह्या कथा देखा मी आई लई सुंदर कथाशी आणि लई चुवट विषय आई कथा ऐकना ती बोलना ती सकल पाप नाश होच कैकन छे नाम तव हिकन हाव बोलती च तुम्ही ऐकताच मात्र तुम्ही ऐकी कन तुम्ही भी अनेक टावन्ना संबर बोलो सभ्यवनु जरा एक पाप नाश ही कन भगवान रस्ता जावानु एक सभी जना प्रयत्न करामी ह्या गौतम महर्षि असच गौतम महर्षीन पत्नी नाव अहल्या कैकनची गौतम महर्षि आणि अहल्यानु नाव तुम्ही रामचरित मानसनु कथा बोलतवा ऐक्याच बहुतेक तुमने याद अशी ह्या ब्रह्मगिरींना ब्रह्मगिरीवर 10,000 वर्ष तपस्स करेलू जागवाई गौतम महर्षी आणि अहल्या ब्रह्मगिरीवर 10,000 वर्ष तपस्स करेलू एवढू ये उत्तम व्रत करेलू ह्या एकदा 100 वर्ष तुडी था बरगालवश एक 100 वर्ष पाऊस होतो नाही पाऊस नाही कतर पीक नाही पीक नाही कतर कोणता प्राणी वन्य पक्षी वन्य आहार नाही पिवान पाणी नाही तैसू मट्टू बरगालवच एक खात देखीस कतर एक चारो नाही गायो वन्य सुद्धा एक कक्का खावा पिवान नाही तो ही कन सभी विश्वमस हर एक जीवी लई कष्टमसच आई सभी देखच था गौतम महर्षी 6 महिना वरुण देवनु तपस्स करीकन वरुण देवने प्रसन्न करच वरुण देव प्रसन्नीकन प्रत्यक्षिकन बोलच का वर हुनु मांग कैकन बोलिकन
था गौतम ऋषि बोला च नहीं पौष वांछे पौष नहीं ते लई बरगा लई कन हर एक जीवी न लई त्रास हो तुझे कई कम बोला च। तवा वरुण देव बोला च नहीं आई सभी देवावन देवोवन सभी देवोवन इच्छा प्रकार आई मारा एकटानु इच्छा प्रकार नहीं तो ही कन तू यहाँ तपस करो कई कम बोली कन हाउ तूने पौष अवाड़ा ना तू नहीं का कर सभी देवोवन विरुद्ध गए नहीं होता कर याकतर मात्र हाउ तूने एक मदद करूँ चे हाउ तूने अक्षय जल दूच एक तू धट्टू हंड काढ़ ते हंड हाउ जल दूचे तो अक्षय असच कवांबी का सरतूत नहीं तई कऊ कऊ आपरचे तव तो अवतूत जाच अस्तूत जात था कई कम बोला चे हूँ कई कम बोली कन था गौतम महर्षि हस्त एवडू एक गौतम महर्षि हस्त कवड़ू से तवड़ू एक हंड करया कई कम बोला चे ते हंड म वरुण देव एक दिव्य जल दया कई कम बोला दिव्य जल ती भराड़ा तई तई दिव्य जल कवा भी सुकतू नहीं सरतू नहीं तई तई तीर्थ तीर्थ रूप असत था तो ही कन ते जागावर दान होम तपस पूजा पितृश्राद्ध का कराया तर भी तीन फल डबल डबल बड़े कर सरतूत नहीं पुण्य अवतूत जात तऊच कई कंबी थार्थ वच या गौतम महर्षि का कि तपस कराया वरुण देव भी तो जल दिया ते जल थी आता हाँ गौतम महर्षि सभी दुख दूर व्हासाठी कई कम बोली का ना ते जागावर भत्त बेळदानू आणि एक होमसाठी का होनू एक ते सभी भी सस्य बेळदानू फुलो हण्णो ये सभी भी था पेरानू पिकानू चालू करच तिनाती था सभी पक्षी आवान चालू करच सभी पशु अवच आणि देव ऋषि मुनी सभी भी था ते बेर लेकर वन बल्ली कन एक था रवान चालू करच का कतर था ता भत्त बेळगताच आणि तिना ती अन्न नो परिहार हो पानी नो परिहार हो झाड़ो छे फूलो हण्णो सभी छे तो ही कन प्राणी वन्य पक्षी वन्य सभी वन्य भी एक आहार हुआ लगुता ते प्रकार ते ऋषि मुनि भी सभी जना तो ना बेर लेकर वन यहाँ चेकन बल्लाइकन रवा लगा तो ही कन तवनु जागो तो तवनु आश्रम सभी भी एक खुशी थी संतोष थी ऐसे नहीं होता थे धान्य तब था कि सभी जन खुशी थी ऐसी कन अन यहाँ गौतम महर्षि न एक पुण्य संपादने करान वाटू एक लोको का एक पानी नहीं थे जुमन नहीं थे आहाकार होतु था वरुण देव ने प्रसन्न करी कन एक जल नु बल उत्पत्ति करी कन था सभी लोगों ने पानी दिया सभी लोगों ने अन्न दिया तिनाती पुण्य संपादने होता गौतम महर्षि तो पुण्य जास्ती होता थे मात्र तेज आश्रम मसेला थोड़ा दूसरा ब्राह्मण पत्नी अहल्यावर जरा मनस्ताप बेजार होज गौतम महर्षि नाव सभी ती श्रेष्ठ वा लगो तो सभी ती तवन नाव मट्टू हा लगो तो सभी दूसरा ब्राह्मण ती भी ती आगड़ा वा लगा तो कई कम बोली का न दूसरा ब्राह्मण पत्नी का कर ती अहल्यान आणि गौतम महर्षि न जरा असही करे नाही ही नाही करी कर अव्याच्य वाक्य ती संबोधना करायचे तिना ती अहल्या माता मनाने लई बेजार होच मात्र ती देव ते ब्राह्मण पत्नी थाने छोडता नाही ते येऊन कौतर करी कन ये आश्रम ती भार घालनो तो काही कम बोली कन गणपतीनं पूजा करायचे गणपतीनं पूजा करी कन गणपतीनं आवाहन करी कन बोलायचे हमी गौतम महर्षिनं एक कातर शापना मुखांतर तवने ह्याती भार घालांचे तू हमने मदद कर कई कम बोलायचे गणपती बोलायचे नाही नाही गौतम महर्षि लई पुण्य संपादने करते सभी पाणी आहार दि कर तवने तव सभी भी करा नव्हतू नाही आणि तुम्ही भी कष्ट असेल तर तुमने कवडू सहाय करते जरा याद करी कन देखो तुम्ही पुण्य सहाय कराल करेल वाला वन्य कवांबी तो हूँ सभी ना ही करनू तो ना बदल विरुद्ध जानू ना तो हूँ कहकर गणपति समझाड़ी कम बोला चे मात्र ते ब्राह्मण पत्नी का भी ऐकता नहीं थे नहीं नहीं हमी हाँ ते गौतम आणि गौतम ऋषि आणि अहल्यान ये आश्रम ती भार घालांचे तिनासाठी तू हमने मदद करनू चे कहकर बोली कर तिने एक हट्ट धराचे तिने पूजा करी कन तिने प्रसन्न करया सकते तो ही कन था गणपति वर देनूच असत था
लास्ट ने गणपति कवड़ू समझाड़ी कम बोलया तर भी था ऐकता नहीं ते ब्राह्मण पत्नी होन दे वो कहकन बोलच आनी बोलच इनू तुम्हें चूक नु सजा तुम्हें लई भोगनु पड़च तुम्हें लई नु पश्चाताप कर लेनु पड़च कहकन बोली कन तवड़ू हूँ तर भी ते ऐकता नहीं था ती गौतम गणपतिन का करच तुम्हें एक गाय ऐकन गौतम ऋषिना खेतम जावो गईकन था खावो चारो सभी खावो कहकन बोलच हूँ कहकन बोली कन गणपति एक गाय ही कन जाच गाय ही कन गई कन थनु खेतम नु चारो भत्त गीत सभी भी खावान चालू करच गौतम महर्षि भी का तो ने राग ने पशु पक्षी वर लई प्रीत सत्ते तरी भी हाँ गाय ऐकन भत्त नु ऐ खातुत्तो पीक खातुत्तो कहकन बोली कन हातम एक चूर चारो धरीकन ते गाय ने हकाला सटी कहकन जरा ते गाय ने टच करते ते चारा ती तवड़ू निस्तु चारो लागेलू एकच नेवन ते गाय खाले पड़च खाले पड़ता मच मरी गई छोड़च आईच वाट देखता असच गौतम ए ब्राह्मण पत्नी सभी भी तो आता गौतम महर्षि न हाँ तुम्हें गाय ने मारया तुम्हें गो हत्या करया तुम्हें कहकन बोली कन गो हत्या नु अपवाद तवने दी कन तुमने गो हत्या नु शाप लागी चता तुम्हें हाँ हमारा आश्रम असे सरकू नहीं हाँ ती भार जावो होता कहकन बोलच था गौतम महर्षि एक पिट्ट भी कथा ने समझाड़ी कम बोला भी प्रयत्न करता ने का वहां सभी भी भगवान ना इच्छा प्रकार होतु असच कवाना उद्देश्य थी गवटच आ मन ने जरा बेजार खवाड़च हाउ निस्तु गाय ने चारा ती टच करी होते तो गाय कऊ मरी ऐसी कनू इनाम भगवान नु का कि एक संकेत छे कहकन बोली कन विचार करच आता था ती सभी ब्राह्मण पत्नी बोलच तुम्हार मोंडू देखनू ना आम्मी तुम्हें गो हत्या करेल वाला छे तुम्हार मोंडू देख्या तर पाप लागच तुम्हें हाँ ती आश्रम ती बाहर जाओ आनी तुम्हें कोणतु भी पूजा यज्ञ का भी करे सरकू नहीं कहकन बोलच था गौतम महर्षि बोलच नहीं तुम्हार सभीवनू हो मन दुकाड़तो नहीं हो अहल्याम बल्ली कन हाँ ती दूर गई कन खातर रहू छो कहकन बोली कन पत्नी अहल्याम बल्ली कन जाच माता तिथा सभी ऋषे पत्नी तो ताकीद करच नहीं तुम्हें कोण तू यज्ञ हवन का भी करे सरकू नहीं कहकन बोली कन हाँ हूँ कहकन बोली कन ते गौतम महर्षि दूर गईकन रहवच था दूर गईकन रहीकन था शंकर नु तपस करच शंकर ने तपस करे पास ती शंकर प्रत्यक्ष होच शंकर प्रत्यक्ष पास ती का हुनु वर कहकन मांगच तवा बोलच महर्षि मने गो हत्यानु पाप लागीच गंगा ती स्नान करांचे मने गंगान धाड कहकन बोली कन तो ह्या गंगान बलायलु जागो गौतम महर्षिनु तपस्स करेलु पुण्यमय जागो भगवान शंकर गंगा सहित ऐकन रहेलु जागो त्र्यंबकेश्वर प्रसिद्ध स्थल प्रसिद्ध तीर्थयात्रा तवड़ू परम पावनतई ते जागावर ऐकन अंगोल करीकन शंकरन कोण एक तपस्स करच कोण ध्यान करच तवने सकल पाप परिहार होच कहकन बोलच तिनासाठी चाहिए सकल पाप परिहार कर लेवासाठी ह्या ऐकन सभी जना भी स्नान करीकन त्र्यंबकेश्वर नु दर्शन करच ह्या स्टार्टिंग बोले नी था तुड़ी जावा नहीं हूँ तर भी आई निस्तु कथा ऐको ऐकीकन दूसरा वन्ने बोलो श्रवण करो मनन करो श्रवण करीकन तो याद राखो दूसरा वन्ना संबर तो कथा बोलो कतर तुमने भी तीन एक पापनु परिहार होच पुण्य संपादने ने एक सरल सुलभ सुंदर मार्ग हमने एकता ती मिलतुच सभी जन इन उपयोग कर लेवाकम बोलता आज नु कथा सभी भी शिवार्पण मस्तु करांचे है हमने तो ही कने सभी भी भगवान शंकर ना पद तल ने अर्पण करूच मारा गुरुना चरण ने अर्पण करूच हरिओम सभी वन ने सकाळ आणि एक ज्योतिर्लिंग नु कथा देखा कतर हरिओम।